सो गाइज वेलकम बैक टू चैनल। आज हम पढ़ेंगे लेंस के एनाटोमी के बारे में। सो मैंने खुराना एज ए रेफरेंस यूज़ किया था और साथ में एस के बसाक। तो एनाटोमी में आप देख सकते हैं कि जो ग्रॉस है उसमें क्या है, जो लेंस है ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर मतलब जिससे क्रॉस करके एक तरफ से और दूसरी तरफ से वाटर लाइक स्ट्रक्चर है। बेसिकली वाटर जैसे ट्रांसपेरेंट होता है। बाई कॉन्वेक्स है मतलब कॉन्वेक्सिटी है दो तरफ, जैसे इस डायग्राम में कॉन्वेक्सिटी है। ठीक है, क्रिस्टलाइन है मतलब क्रिस्टल है। ठीक है, लिक्विड नहीं है। प्लेस्ड बिटवीन किसके बीच में रहता है, जैसे आप पकड़ लीजिए ए सपोज ए आईबॉल है, दिस इज कॉर्निया, बीच में आ गया आयरिस, यहाँ पे रहता है लेंस। ठीक है, सिलियरी बॉडी से निकल के लेंस ए हो गया और इधर है विट्रेस। तो ए बेसिकली लेंस रहता है आयरिस और विट्रेस के बीच में। और जो स्पेस है सॉसर शेप स्ट्रक्चर, सॉसर शेप स्ट्रक्चर मतलब एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें कुछ प्लेट होता है जिसमें सॉस रखा जाता है, इस तरह का प्लेट होता है बेसिकली। तो लेंस एक ऐसे स्पेस में रहता है। डायमीटर हम देखेंगे तो डायमीटर है 9 to 10 mm, थिकनेस है 3 to 3.5 mm जब बर्थ होता है और 5 mm तक जाता है जब एकदम ओल्ड एज हो जाता है। तो अटैचमेंट जो लेंस है, ठीक है, लेंस जो पेरिफेरली सिलियरी बॉडी से अटैच होता है कुछ फाइबर के हेल्प से, और ऐसे फाइबर को कहा जाता है जनुल्स, जनुल्स ऑफ जिन। ये हो गया पेरिफेरल अटैचमेंट। पोस्टीरियरली देर इज ए सर्कुलर एडहेशन बिटवीन पोस्टीरियर कैप्सूल ऑफ लेंस एंड एंटीरियर हायलोइड सरफेस ऑफ विट्रेस। तो लेंस जो है, लेंस का हम और डिटेल स्ट्रक्चर में दिखाएंगे। तो एंटीरियर और पोस्टीरियर दो कैप्सूल होता है। तो जो पोस्टीरियर कैप्सूल का सरफेस है वो सरफेस जो यहाँ पे विट्रेस का और एक सरफेस होता है वो हम विट्रेस के एनाटोमी में अच्छे से पढ़ाएंगे, जिसे हाइलोइड सरफेस ऑफ विट्रेस कहते हैं। वहां से एक एडहेशन के थ्रू अटैच होता है, तो इसे कहते हैं हायलो इडियो कैप्सुलर लिगामेंट ऑफ वेगर। ठीक है, हम फिर से कह रहे कि पोस्टीरियरली देर आर सर्कुलर एडहेशन बिटवीन पोस्टीरियर कैप्सूल ऑफ लेंस एंड एंटीरियर हायलोइड सरफेस ऑफ विट्रेस एंड दिस एडहेशन इज नोन एज हायलो इडियो कैप्सुलर लिगामेंट ऑफ वेगर। अब अगर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स देखेंगे और डायप्टरिक वैल्यू देखेंगे तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है 1.39 लेंस का और डायप्टरिक पावर ए होता है 15 to 16 डायप्टर। द स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ, क्या क्या रहता है लेंस में, हम एनाटोमी के बाद जस्ट हमने कहा था कि कैप्सूल के बाद। तो यहाँ पे पहला स्ट्रक्चर हमने कहा कि लेंस कैप्सूल। ठीक है, डायग्राम में अच्छे से दिखाएंगे। तो अब ये देख लीजिए कि लेंस कैप्सूल क्या होते हैं। सिंस लेंस ही ट्रांसपेरेंट है, इसका मतलब बेसिकली कैप्सूल भी ट्रांसपेरेंट होगा। तो लेंस कैप्सूल इज ए थिन ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर हाइलिन मेम्ब्रेन सराउंडिंग द लेंस। ठीक है, विच इज थिकर ओवर एंटीरियर। जो लेंस कैप्सूल है वो उसके एंटीरियर सेगमेंट वाला लेंस कैप्सूल थोड़ा ज्यादा थिक होता है कंपैरेटिवली पोस्टीरियर सरफेस। तो हम बेसिक और डिटेल्स में देखेंगे। चलिए, सो बेसिकली ये हो गया डायग्राम। ये जो है ऊपर वाला स्ट्रक्चर, दिस इज कैप्सूल। ये आप देख सकते हैं कि एंटीरियर कैप्सूल जो है थोड़ा सा थिक है कंपैरेटिवली ये जो स्ट्रक्चर है पोस्टीरियर कैप्सूल। यहाँ में एंटीरियर कैप्सूल में क्या होता है, एक एपिथेलियम होता है। ये जो एंटीरियर कैप्सूल और थोड़ा बहुत इस ऊपर वाला पेरिफेरल कर्वेचर में होता है। उसके बाद आ जाता है कॉर्टेक्स एरिया, और लेंस का वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट होता है न्यूक्लियर पार्ट। जो न्यूक्लियर पार्ट है वो धीरे धीरे ग्रो करता जाता है एज के हिसाब से। तो जब एम्ब्रायनिक स्टेज में ये इतना सा ही होता है, तो ग्रो करता है, उसमें फाइबर डिपोजिशन होता है। उसके बाद फीटल स्ट्रक्चर में वो ऐसा हो जाता है, और फिर इन्फेंटाइल में और ज़्यादा ठीक हो जाता है, एडल्ट में ऐसा हो जाता है। तो हम इंडिविजुअली बाकी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लेते हैं। तो लेंस एपिथेलियम जैसे कि हमने दिखाया, कहा गया कि सिंगल एंटीरियर में क्या होता है, सिंगल लेयर ऑफ क्यूबॉइडल सेल्स होता है। जो एपिथेलियम है वो क्यूबॉइडल लेयर्स का होता है। लाइज डीप टू द एंटीरियर कैप्सूल, एंटीरियर कैप्सूल से अंदर है।
इक्वेटर में सेल्स बिकम कोलमनर, जो क्यूबॉइडल होता है वो कोलमनर हो जाता है, ठीक है। दे आर एक्टिवली डिवाइडिंग थ्रू आउट आवर लाइफ एंड फ्रॉम न्यू फाइबर, जो लेंस फाइबर होता है वो इक्वेटर वाला एपिथेलियम ही सिक्रेट करता है, पोस्टीरियर में कोई भी एपिथेलियम नहीं होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। लेंस सब्सटेंस हो गया, तो लेंस सब्सटेंस क्या होता है कि एपिथेलियम इलोंगेट्स टू फ्रॉम लेंस फाइबर, और उसी से लेंस का सब्सटेंस बनता है। मैच्योर लेंस फाइबर लोज देयर न्यूक्ली एंड ऑक्यूपाई मोस्ट वॉल्यूम ऑफ द लेंस, दे आर लेड हॉरिजॉन्टली कॉन्सेंट्रिकली लाइक लेयर्स ऑफ ऑनियन। मतलब जो लेंस सब्सटेंस होता है वो ऐसे ही एक ऑनियन स्ट्रक्चर के जैसा हॉरिजॉन्टली ले डाउन होता है। उसके बाद आ जाते हैं न्यूक्लियस, सेंट्रल पार्ट होता है, कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट जोन्स, ठीक है, जो सक्सेसिवली डेवलपमेंट स्टेज में डिपोजिशन होते होते अलग अलग जोन में हो जाता है, ठीक है। तो एनाटोमी में एक आखिरी चीज आता है कि जो जोनुलर फाइबर्स है जिससे सिलियरी बॉडी से निकल के लेंस में लगता है, उसका अटैचमेंट कैसे होता है। तो कहा जाता है एक न्यू कंसेप्ट के अनुसार कि जो जोनुलर फाइबर है ओरा सेरेटा से निकल के एज ऑफ लेंस तक कंटिन्यूसली दिस विल ग्रो। सो हेयर इज द इमेज, दिस फाइबर इज नोन एज पार्स ऑर्बिकुलरिस, वेयर आई हैव मार्क्ड एज 1, 2, दिस इज जोनुलर प्लेक्जस एंड दिस एंटायर स्ट्रक्चर, दिस स्ट्रक्चर फ्रॉम वेयर दिस स्मॉल जोनुल्स हैव अराइज, दिस इज नोन एज जोन ऑफ फुक। नाउ दिस माइक्रोजोनुल्स आर लाइक नंबर 4, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज एंटीरियर जोनुलर लिम्ब, 5th नोन एज इक्वेटोरियल जोनुलर लिम्ब एंड 6th नोन एज पोस्टीरियर जोनुलर लिम्ब। सो दिस वॉज द बेसिक एनाटॉमी। आई होप यू विल लाइक द वीडियो। थैंक यू।